गाइस, मैं हूं शिखा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो है इंडियन और वेस्टर्न दोनों का कॉम्बिनेशन। सभी को मैंने परचेज किया है मीशो से और सारे ही जो ड्रेसेस हैं वो बड़ी ही सुपर्ब हैं। सो वीडियो को पूरी चेक कीजिएगा क्योंकि आपको मिलेगी सारी डिटेल वीडियो के अंदर ही। और गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार चेक करते हैं मीशो की सेफ्टी गाइडलाइन। हवाले है मेरा आज का ये साइड स्लिट कुर्ता, ब्लैक कलर का विद हैवी एम्ब्रॉयडरी। इस तरह का एक और कुर्ता जैसे कि मैं साइड पे आपको दिखा रही हूँ, इसका कुछ दिन पहले मैंने रिव्यू किया था। सो मुझे देखना था कि दोनों में क्या डिफरेंस है। और ये एक नॉर्मल साइड स्लिट कुर्ता है और जो इसको मैं अब दिखाने वाली हूँ ये वन साइडेड साइड स्लिट कुर्ता है। अब वो आपको क्लियर हो जाएगा वीडियो में। सो एक बार चेक कीजिए इसका लुक। नेक है इसका राउंड, फैब्रिक है इसका रेयॉन और जिस रेंज में मैंने लिया है वो मैं कर रही हूँ डिस्प्ले। और ये देखिए इसका लुक, राउंड है इसका नेक फ्रंट से भी और बैक से भी, काफी फाइन रेयॉन इसका फैब्रिक है और पूरे ही नेक पर एकदम हैवी जरी की और रेशम की डिटेलिंग है जो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है। क्योंकि ब्लैक बेस के साथ रेड, ग्रीन और गोल्डन कलर बहुत ही ज्यादा फाइन लग रहा है, एकदम खिल के इसकी एम्ब्रॉयडरी आ रही है। साइज मैंने लिया है मीडियम, मीडियम मुझे एकदम परफेक्ट आया, तो इसमें अपना ट्रू साइज बाय करें। और ये देखिए इसका लुक, नेक में पूरा हैवी है, फिर यहाँ एक बेल्ट काइंड ऑफ अलग से बॉर्डर दिया है और इस बॉर्डर के जस्ट नीचे से ये साइड स्लिट है, एकदम साइड स्लिट भी नहीं है, जस्ट बिल्कुल एकदम फ्रंट में भी नहीं है, साइड में भी नहीं है, सेंटर में आ रहा है, जो आपको वीडियो में क्लियर हो रहा होगा, ट्राई ऑन में क्लियर हो रहा होगा। सो ये है इसका लुक। लेंथ बहुत अच्छी है, मेरी हाइट है 5'3" और इसे मैंने हील के साथ कैरी किया है, तो आप आइडिया ले सकते हैं कि आपको कहाँ तक ये आने वाला है। ये है इसका फ्रंट और बैक से है एकदम प्लेन। 3/4 है इसकी स्लीव्स और स्लीव्स पर काफी अच्छा खासा, मतलब काफी ब्रॉड बॉर्डर है। एक हैवी से बनारसी रेड दुपट्टे के साथ आप इसे मिक्स एंड मैच करेंगे तो एकदम पार्टी वियर सूट बन जाएगा। सो ये तो था इसका टॉप पार्ट। बॉटम में है इसके ये पैंट। अच्छा, इसकी पैंट की लेंथ काफी अच्छी है, इसलिए मैंने ना इसको थोड़ा क्रॉप करा लिया है, जैसे वीडियो में आप देखेंगे एंकल लेंथ मैंने इसको करा लिया है। दोनों तरफ है इसमें इलास्टिक, काफी कंफर्टेबल है। अगर आप अपना ट्रू साइज बाय करेंगे तो पैंट इसकी एकदम परफेक्ट आने वाली है। और बॉटम में है इसके सेम वही बॉर्डर जो कुर्ते में दिया गया है, सो उसकी वजह से बहुत प्रिटी लगा। लेकिन मैं यही कहूंगी कि अगर आप भी अपनी अगली सूट आप बाय करते हैं तो इसकी पैंट को थोड़ा सा क्रॉप करा लीजिएगा, बहुत ही क्लासी लुक आने वाला है। सो ये था मेरा फर्स्ट पीस। सेकंड पीस है मेरा एक नी लेंथ मैक्सी ड्रेस, लेकिन मैंने इसे एक पैंट के साथ पेयर अप करके दिखाया है। आप चाहे तो इसे विदाउट एनी बॉटम भी वियर कर सकते हैं, बहुत ज्यादा स्मार्ट है। मस्टर्ड कलर है, काफी सारे कलर ऑप्शन इसमें अवेलेबल है, कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से देखेंगे, चेक करेंगे तो आपको सारे कलर अवेलेबल हो जाएंगे, यानी कि विजिबल हो जाएंगे। और ये है इसका लुक। फैब्रिक है इसका रेयॉन, नेक है इसका राउंड फ्रंट से और यहाँ छोटा सा यू शेप बनी हुई है और इसमें लगी हुई है थ्रेड वाली डोरी प्लस थ्रेड की टसल लगी हुई है। मस्टर्ड के साथ ये रेड का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लग रहा है। प्लस इसके नेक जो है वो पूरा हैवी है और इसका ना जो वर्क है वो ऐसा है कि बड़ा ही कूल सा लग रहा है। तो अगर आप चाहें तो इसको विदाउट बॉटम भी वियर कर सकते हैं। और ये है इसका लुक। वर्क है इसका बहुत ही ज्यादा फाइन, एक बार पास से चेक कीजिएगा इसका वर्क, सो दैट हो जाए क्लियर। स्लीव्स का पैटर्न भी मुझे काफी डिफरेंट लगा, यहाँ लगी हुई है इसमें इलास्टिक जिसकी वजह से फ्रिल्स आ रही हैं और स्लीव पर भी सेम वही एम्ब्रॉयडरी है जो फ्रंट में थी। सो ओवरऑल लुक इसका बहुत ज्यादा प्रिटी आया पहनकर। स्लीव्स की लेंथ इसकी एल्बो तक आएगी, सो बहुत प्यारी लग रही है। अगर मैं वेस्ट पार्ट की बात करूं तो यहाँ लगी हुई है इसमें इलास्टिक और उसकी वजह से छोटी छोटी गैदरिंग है, तो बहुत ही प्यारी सी ये मैक्सी ड्रेस लग रही है। ओवरऑल लुक मुझे इसका बहुत प्रिटी लगा। तो गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बार चेक कीजिए कि मीशो से आप शॉपिंग कैसे कर सकते हैं। हैव अ लुक। मीशो से ऑर्डर प्लेस करना है बहुत ही आसान, जस्ट ऐप को ओपन कीजिए, सर्चिंग बार में टाइप कीजिए जो भी आपको चाहिए, तो उसके रेलिवेंट जितने भी ऑप्शंस हैं सारे आपके लिए ओपन हो जाएंगे।
जो भी आपको चाहिए उस पर सेलेक्ट कीजिए, और जैसे ही आप इमेज पर क्लिक करेंगे तो उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी, लाइक कि फैब्रिक क्या है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन क्या है, डिटेल क्या है, रिटर्न पॉलिसी एंड ऑल सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। जैसे ही आप ऐड टू कार्ट पर क्लिक करेंगे तो जितने भी साइजेस अवेलेबल हैं वो सभी शो हो जाएंगे। देन अपना करेक्ट साइज़ पिक करें और पेमेंट की तरफ बढ़ें। चाहे तो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, चाहे कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट अपने लिए बाय कर रहे हैं तो सेम रेंज यहाँ पर टाइप करें, लेकिन अगर एज ए सेलर आप वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर जो भी आप मार्जिन अर्न करना चाहते हैं उसे ऐड करके टाइप करें। सेकेंड तरीका है किसी भी प्रोडक्ट को सर्च करने का या ऑर्डर प्लेस करने का, कोड के थ्रू। सारे ही प्रोडक्ट के कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, जस्ट कोड को टाइप कीजिए सर्च बार में तो सेम वही प्रोडक्ट ओपन हो जाएगा। और अगर गाइस ओपन नहीं होता है दैट मीन्स कि वो प्रोडक्ट है आउट ऑफ स्टॉक। उसके बाद का प्रोसीजर सेम है, और ये जो आप पॉपअप देख रहे हैं ये इसीलिए ओपन होता है अगर कार्ट में ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट अवेलेबल होता है तो। चेकआउट कीजिए और सेम प्रोसेस वही है। थर्ड तरीका है कि आप किस सर्च करें, कैमरे के आइकन पर क्लिक कीजिए, को सेलेक्ट कीजिए और आपका सेम प्रोडक्ट ओपन हो जाएगा। सो बहुत ही सिंपल तरीका है प्रोडक्ट ऑर्डर करने के लिए। आई होप ये प्रोसेस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, और इस पर तो मेरी बहुत दिन से नजरें टिकी हुई थी, लेकिन मैं जस्ट ये सोच रही थी कि पता नहीं मेरे ऊपर कैसा लगेगा, इसलिए मैं इसको बाय नहीं करती। लेकिन मैंने सोचा कि चलो क्यों ना ट्राई करके देखूं, और पोल्का डॉट में 3 पीस ये सेट है। पहले देखिए इसका कैटलॉग इमेज, और जैसा ये कैटलॉग में है सेम वैसा ही रिसीव हुआ है। 3 पीस है, एक श्रग है, टॉप है, पैंट है, फैब्रिक सभी का रेयन है, लेकिन जो पैंट और श्रग का फैब्रिक है वो बहुत ही ज्यादा हैवी वाला है और इतना ज्यादा कंफर्टेबल है, प्लस इतना ज्यादा स्ट्रेचेबल है कि पहन के जस्ट मजा आ गया, बहुत कूल मुझे लगा। सो पहला जो मैं इसका दिखाने वाली हूँ वो दिखाऊंगी इसकी ये पैंट। सबसे बड़ी बात की पैंट है एंकल लेंथ, तो उसकी वजह से बहुत क्लासी लग रही है। और ये है इसका लुक, फ्रंट में बेल्ट काइंड ऑफ है और बैक में इलास्टिक है, प्लस यहाँ लगे हुए हैं सिल्वर कलर के 3 बटन, और इसके दोनों ही तरफ पॉकेट है, पॉकेट काफी डीप है। सो पहनने के बाद मुझे सच में बहुत ही ज्यादा प्यारी लगी, बहुत ही ज्यादा क्लासी लगी। और ब्लैक कलर में पोल्का डॉट्स में ये है, और इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल है, आप जो चाहे वो पिक कर सकते हैं। ये है फ्रंट और ये है बैक, बाकी लुक आपको इसका पहनने के बाद क्लियर हो रहा होगा। सेकेंड पीस जो इसके साथ है वो है ये टॉप, ये कट स्लीव टॉप है, आप चाहे तो इसे किसी और के साथ भी मिक्सर मैच कर सकते हैं। बात और की श्रग जो है वो डिटैचेबल है, तो इसकी वजह से श्रग भी और इसका टॉप भी अलग अलग इजीली यूज हो जाएगा। ब्लैक प्लेन कट स्लीव पैटर्न में है ये टॉप, और थर्ड पीस इसका जो है वो है ये श्रग, जिसकी वजह से इसका लुक बहुत प्यारा आ रहा है। हाई एंड लो पैटर्न में है ये श्रग, और आप देखेंगे कॉट कॉलर वाला इसका पैटर्न है, प्लस यहाँ पर इसमें एक स्टार सा लगा हुआ है जिसमें पॉम पॉम लगी हुई है। पास से एक बार इसको चेक कीजिएगा, बड़ा ही क्यूट सा प्यारा सा लग रहा है। इवन ये ऐसे दिखाने में क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन ट्राई ऑन में बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। नेट की स्लीव्स हैं और इस पे भी फ्लावर्स लगे हुए हैं, प्लस अगेन ये पोल्का डॉट वाला इसका बेल स्लीव्स बनी हुई हैं। सो ओवरऑल लुक मुझे इसका बहुत अच्छा लगा, और ये वाला पीस मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, ट्राई करके देखें। खाली पैंट भी अलग से आप यूज करेंगे तो भी बहुत ही ज्यादा प्यारी लगेगी। फोर्थ पीस जो है मेरा ये है एक कुर्ता और दुपट्टा सेट। इसका ना इस तरह के कुर्ते का मैंने अमेजन से रिव्यू किया था, सो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैं इस कुर्ते का मीशो से रिव्यू शेयर करूं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हो जाए। और बहुत ही ज्यादा फाइन क्वालिटी है, फैब्रिक है इसका रेयन, पहनने के बाद बड़ा ही क्लासी सा ये लगा। इसका दुपट्टा मैंने थोड़ा डिफरेंटली ड्रेप किया है, उसकी वजह से मुझे बहुत प्रिटी लगा। एकदम प्लेन ये है टॉप से, फ्रंट भी नेक राउंड है और बैक भी राउंड है, प्लस बैक में लगी हुई है इसके 2 डोरी, और ये है इसका लुक। जैसे ही वेस्ट पार्ट पर आएंगे तो ब्लॉक प्लेट्स इसमें डली हुई है, और थोड़ी थोड़ी प्लेट्स में ना इसमें सिलाई लगी हुई है, और थोड़ा नीचे से जाकर के ये ओपन है, तो उसकी वजह से एक फिटेड लुक आ रहा है, वो भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। फ्लेयर इसका काफी सही है, जो कि आपको ट्राई ऑन में क्लियर हो रहा होगा। जैसे ही बॉटम में आएंगे तो यहाँ डायमंड डायमंड या जिगजैग कह सकते हैं उस तरह का बॉर्डर लगा हुआ है, और ये बॉर्डर फॉइल प्रिंट से है, प्लस ये फॉइल प्रिंट बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। आफ्टर वॉश भी इसकी क्वालिटी सेम रहने वाली, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा वॉश करके देखा था और वो एज इट इज था। ये है इसका फ्रंट और सेम एज है इसका बैक, बॉटम में है बॉर्डर और 3/4 है इसकी स्लीव्स, एकदम प्लेन स्लीव्स हैं, लेकिन पहनने के बाद लुक इसका अच्छा आया।
और ये है इसका दुपट्टा। दुपट्टे का फैब्रिक है इसका क्रेप, दुपट्टा बहुत प्यारा है। ये इस तरह का दुपट्टा आप इसे इजीली किसी और सूट के साथ भी मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। और लुक इसका पहनने के बाद काफी प्रिटी आ रहा है, प्लस मैंने इसको बेल्ट के साथ स्टाइल किया है और मुझे उस लुक में भी अच्छा लगा। प्लस दुपट्टा इसका ऐसा, अगर आपका सूट खराब हो जाए तो दुपट्टे में से आप कुर्ती बनवा लें या इसको किसी और के साथ मिक्स एंड मैच कर लें तो भी काफी प्यारा लगेगा। सो लास्ट पीस आज का जो मेरा है ये है एक लॉन्ग मैक्सी ड्रेस, और इसका फ्लेयर बहुत अच्छा है, पहनने के बाद मुझे तो सच में बहुत पसंद आई। और ये है ब्लू कलर के साथ व्हाइट कलर के पोल्का डॉट्स में, फैब्रिक है इसका क्रेप, और ये है इसका लुक। नेक इसका राउंड है या छोटा सा लूप बना हुआ है और बटन लगा हुआ है। ये बटन ओपनेबल है लेकिन बिना मतलब बटन ओपन किए भी इजीली आ सकता है नेक में। सो ये है इसका फ्रंट नेक और ये है इसका बैक नेक। कलियों वाले पैटर्न में है जिसकी वजह से इसका फ्लेयर बहुत हैवी हो गया है और लुक भी इसका बहुत प्यारा आ रहा है। इसको मैंने बेल्ट के साथ स्टाइल किया है सो उसकी वजह से इसका लुक और भी ज्यादा एनहांस हो गया है। 3/4 है इसकी स्लीव्स और बेल स्लीव्स का है पैटर्न। यहाँ लगी हुई है किरोशिये वाली बेल और पूरे ही नेक पर भी इसके किरोशिये वाली बेल लगी हुई है। एकदम सिंपल सोबर, अगर कोई डिसेंट सा पीस आप पहनना चाहते हैं तो आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं। सो ये है इसका फ्रंट लुक और ये है इसका बैक लुक। बैक में यहाँ ना बैक में इसके प्लेट्स डली हुई है जिसकी वजह से एक फिटिंग जो होती है वो बिल्कुल प्रॉपर हो जाती है। बाकी लुक आपको इसका क्लियर हो रहा होगा पहनने के बाद। बॉटम में लगा हुआ है यहाँ पर हैवी वाला फैब्रिक, लाइक एक बुकरम काइंड ऑफ लगी हुई है जिससे कि इसके बॉटम में काफी हैवीनेस आ रही है और वो पहनने के बाद काफी प्यारी सी भी लग रही है। इसके साथ पैरअप में है दुपट्टा जिसकी मुझे नीड नहीं लगी इसके साथ, इसलिए मैंने इसको ट्राई ऑन में ट्राई नहीं किया। ये व्हाइट और ब्लू कलर के शेड में एक शेडेड दुपट्टा है। चारों तरफ इसके लेस लगी हुई है प्लस दोनों तरफ ये फ्लावर लगे हुए हैं गोटा पत्ती वाले। बड़ा ही प्यारा सा दुपट्टा है, किसी और ड्रेस के साथ भी इजिली मिक्सर मैच हो जाएगा क्योंकि एक प्लेन कलर का प्योर शिफॉन का दुपट्टा है। और इसके साथ तो मुझे नींद नहीं लगी इसलिए मैंने ट्राई नहीं किया। तो ये थी मेरी आज की कंप्लीट शॉपिंग, आई होप आप लोगों के लिए यूजफुल होगी। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।